सम्राट के किरदार से जिसने बनाई अपनी एक नई पहचान, तो वहीं सिकंदर बन जिसने किया कुल्फी से खूब प्यार। ये कोई और नहीं बल्कि हैं टेलीविजन के हैंडसम हंक मोहित मलिक। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज सुनते हैं कहानी मोहित मलिक की। मोहित मलिक का बर्थ 11 जनवरी 1984 को दिल्ली में हुआ था। मोहित पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोहित अपने पेरेंट्स से काफी क्लोज हैं। मोहित के दो बड़े भाई और एक बहन है। मोहित ने अपनी स्कूलिंग नई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से की। रिपोर्ट्स की माने तो वो अपने स्कूली दिनों में पढ़ाई के मामले में एवरेज स्टूडेंट्स में से एक थे और हमेशा क्लास के लास्ट बेंच में बैठा करते थे। मोहित अक्सर अपने क्लासेस को बंक करके क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मोहित ने बीकॉम के लिए शहीद भगत सिंह कॉलेज ज्वाइन किया और फिर मोहित ने बीबीए करने का फैसला किया, जिसकी पढ़ाई उन्होंने एमिटी बिजनेस स्कूल से की। कॉलेज के दौरान मोहित थिएटर और ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट करते थे। उस समय उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि उन्हें अपनी किस्मत फिल्मों या फिर टीवी सीरियल्स में आजमानी चाहिए। इसके बाद मोहित ने भी अपना मन बनाया और साल 2005 में अपना पोर्टफोलियो मुंबई भेजा, जिसके कुछ समय बाद उन्हें ऑडिशन के लिए कॉल भी आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आइए सुनते हैं मोहित की जुबानी। कॉन्टिलो एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके साथ मैंने अपना पहला ऑडिशन किया था एंड दैट वाज फॉर अ शो कॉल्ड कहाँ हूँ मैं। तो मैंने वो शो का ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। आई वेंट बैक टू दिल्ली और मुझे फ़ोन आया कि यू आर सिलेक्टेड यू नो एंड सो कम टू बॉम्बे। दैट वाज द हैप्पीस्ट डे ऑफ माई लाइफ। बस वहीं से शुरुआत हुई। यू नो आई केम टू बॉम्बे and I stayed here in one of the PGs with four guys in the same building where I live now on the third floor. My third floor पे अभी मैंने I just bought a house, तो उससे पहले मैं फोर्थ फ्लोर पे 1 BHK में PG रहता था 4 लोगों के साथ उसी बिल्डिंग में। So I know the building very well, I know people very well there and I have some connect with the building. But unfortunately ये हुआ कि वो जो मेरा पहला शो था कहाँ हूँ मैं, वो didn't go on air, वो ऑनर नहीं हुआ था। वो पहला झटका यहाँ मिला मुझे। तो झटके तो मिलते रहते हैं हम सबको लाइफ में, तो पहला झटका ये मिला। मोहित ने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2005 में टीवी सीरियल मिली में ओनो के किरदार से की। इसके बारे में हमें मोहित ने क्या बताया, आइए खुद ही सुन लीजिए। आई थिंक 6-7 मंथ्स के बाद मुझे एक मिली एक शो आता था, तो उसमें मुझे बुलाया गया कि एक कैमियो है, तो विल यू डू अ कैमियो। एंड आई स्टार्टिंग में बड़ा स्केप्टिकल था, कैमियो करूँ, 7 दिन का काम है, यू नो व्हाट टू डू। अब तक कुछ भी ऑन एयर नहीं करा था, राइट? नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और फिर आया मिली का, मिली ऑफर आया था। मिली दे ऑडिशन मी एंड दे लाइक मी, लाइक ये 7 दिन का एपिसोड एक काम है। तो मैं बड़ा स्केप्टिकल था, लेकिन उस टाइम पे कुछ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मुझे सही राय दी। उन्होंने कहा कि करो, वाई आर यू नॉट डूइंग इट। तो मैंने वो कैमियो किया और कैमियो अच्छा लगा, चैनल में अच्छा लग गया लोगों को। एंड आफ्टर दैट 1 वीक ऑफ मिली, एक महीने बाद दे कॉल्ड मी अप, देयर लाइक कि मोहित वी आर मेकिंग यू द मेन लीड ऑफ द शो एंड यू नो ऑपोजिट मिली एंड सो जस्ट बी रेडी। व्हाट एल्स डू आई वांटेड, सो या तो दैट्स हाउ मिली माय फर्स्ट शो एज अ लीड स्टार्टेड। इसके बाद मोहित जब लव हुआ और परी हूँ मैं जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाई दिए। साल 2008 में उन्होंने डांसिंग रियलिटी शो नच बल ये 4 में अपनी लेडी लव आदिती शिरवाईकर के साथ पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद वो बनू मैं तेरी दुल्हन, अदालत, मन की आवाज प्रतिज्ञा, फुलवा, सुवरीन गुग्गल टॉपर ऑफ द ईयर जैसे टीवी शोज में दिखाई दिए। लेकिन मोहित के लिए सीरियल प्रतिज्ञा उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। इस बारे में उन्होंने बताया। प्रतिज्ञा एक्चुअली वाज द मेन टर्निंग पॉइंट आई वुड से इन माय करियर बिफोर डोली, बिकॉज प्रतिज्ञा वाज अगेन समथिंग व्हिच वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। मतलब मुझे आज बोला गया था कि कल से मोहित शूट कर रहे हैं और यू हैव टू स्पीक इन अ लिंगो, वो इलाहाबादी एक्सेंट में। और हालांकि 3 साल 2-2.5 साल से प्रतिज्ञा में जो ऑलरेडी स्टार्स बैठे हुए थे उस वक्त, एंड वो मतलब तेवब मजे हुए थे वो पूरे कैरेक्टर में और यू नो हर चीज़ में। एंड मेरे को बोला कि आप सज्जन सिंह के बेटे हो और यू नो नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू हीरो। So मैंने कहा ओके, सो मैं गया फर्स्ट डे, आई वाज सो नर्वस, आई स्टिल रिमेंबर, आई टोल्ड माय वाइफ फर्स्ट डे व्हेन आई केम बैक, मैंने कहा कि यार मुझसे नहीं होगा, आई से नो बिकॉज वो मेरे से नहीं होगा, इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट अप अ लिंगो इन 2 days, हाउ डू दे एक्सपेक्ट मी टू गेट अ लिंगो। मैं सेट से, मुझे याद है मैं सज्जन जी की स्क्रिप्ट्स घर लेके आता था रात में मैं पढ़ता था बैठ के, और लिंगोज़ उनके वीडियोस देखता था, इलाहाबादी एक्सेंट के वीडियो देख, एंड अपने आप खुद काम करके मैंने वो लिंगो सेट किया। मैंने कहा मैं ऐसे बोलूँ। मोहित ने जी टीवी के सीरियल डोली अरमानों की में सम्राट सिंह राठौर की भूमिका से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। वहीं उनको इस शो के दौरान बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का खिताब भी मिला था। इस बारे में मोहित क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। फर्स्ट टाइम व्हेन Pearl called me up for Doli, so and I went for the narration. I still remember Pearl ma'am sitting in cafe coffee day, and मैं गया मिलने के लिए कि बहुत ऐसा सा रोल है, वाइफ बीटर है और MCP है, ये कैरेक्टर है। मैंने कहा ओके मैम, मैं कर लूँ, मैं सोच नहीं सकता हूँ ऐसा। सो मैंने कहा मैम आई डोंट कनेक्ट विद इट, आप क्या सोच रहे हो, मैं कैसे करूँगा नेगेटिव, इतना खूंखार सा टाइप सा। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैम मेरे से नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे नेगेटिव नहीं करना। दिस इज इंटरेस्टिंग। या आई सेड नो फॉर इट एंड आई केम बैक होम, आई सेड नो, हो गया हफ्ता हो गया, देन दे आई थिंक कास्टेड सम अदर एक्टर, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, दे कास्टेड समवन एंड प्रोमो शूट हो रहा था डोली अरमानों की का, दैट एक्टर डिडंट टर्न अप, because he had some issues with the other channel, contract का कुछ issue था, he didn't turn up for the shoot of the promo, and Pearl now again called me up like Mohit, please you have to come and you please do this role because again, I mean she asked me again, so मैंने कहा she's asking me again, that's so sweet of her, let me think about it again, तो मैंने कहा मैम give me 10 minutes now। नेक्स्ट फ़ोन रख के मैंने अपनी बीवी से बात की, अपनी एडी से बात की, मैंने एडी को बोला एडी दिस इज़ द कैरेक्टर एंड आई डोंट थिंक सो आई कैन प्ले इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आई कैन नॉट रिलेट टू द थिंकिंग। तो एडी ने एक्चुअली, माई वाइफ टोल्ड मी कि मोहित यू कैन डू इट, यू आर अ गुड एक्टर, डोंट फील लेस कॉन्फिडेंट और समथिंग, जस्ट गो अहेड विद इट, यू कैन डू इट, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग एंड इट विल वर्क वेल फॉर यू। अगेन आई थॉट यार कैसे करूँगा, तो मैं किसी तरह फिर मैंने पर्ल मैम को बोला मैम ओके आई विल डू इट बट आई वोंट हैव अ मीटिंग फर्स्ट, मैं चाहता था कि एक बार मुझे अच्छे से और समझ लूँ, और वो तो खैर बहुत मीटिंग हुई मेरी बाद में, लेकिन मैं चाहता था कि मैं उसको पॉजिटिव भी कर दूँ कहीं ना कहीं। मोहित ने टीवी सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला, लॉकडाउन की लव स्टोरी जैसे शोज में भी अभिनय किया है। मोहित क्राइम शो सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक के कुछ एपिसोड के लिए होस्ट भी बने थे। वैसे बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो टीवी शोज में काम करने के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं। मोहित पत्नी अदिति के साथ मिलकर 2 रेस्टोरेंट भी चलाते हैं और इससे भी उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वैसे बात अदिति की आई है तो बता दें कि मोहित की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। मोहित अपनी पत्नी अदिति से सीरियल मिली के सेट पर मिले थे। इस बारे में मोहित ने बताया, This all started with Mili, as I told you. मिली में पहली बार मेरी उससे मुलाकात हुई, वो ऑलरेडी शो में हिस्सा थी शो का, जो पहले से 1 साल से शो कर रही थी। तो मैं जब गया तो मैं बड़ा अपने स्क्रिप्ट में रहता था और देश टू ऑलवेज थिंक यार लड़का तो बड़ा स्क्रिप्ट, आप एक्चुअली अदिति से पूछना कि उसको क्या लगा था, तो शी ऑलवेज टेल मी कि उसको लगा था कि मैं बड़ा रूड, मैं बहुत स्नॉबिश हूँ। दैट आई नो, आई स्पोक टू हर एंड शी टोल्ड मी कि पहली मुलाकात में मुझे मोहित बिल्कुल पसंद नहीं आया, उस लोग बड़ा स्नॉबिश लड़का है तो बात ही नहीं करता है। मैं बात इसलिए नहीं करता था क्योंकि मैं हमेशा कैरेक्टर अपने स्क्रिप्ट में रहता था, तो मुझे समथिंग वेरी न्यू फॉर मी एंड आई वांट टू वर्क हार्ड, प्रूव माई सेल्फ, लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो कैसे हो गया वो पता नहीं, अदिति ने क्या किया मेरे साथ, उसने कैसे ऐसे करके जाल फेंका और ट्रैप कर लिया मुझे, तो मुझे भी नहीं पता लगा। सो इट ऑल एक्चुअली मतलब यू नेवर प्रपोज टू ईच अदर। अच्छा, टिल हम सोचते हैं कि हमने, लव इज समथिंग विच यू डोंट नीड टू से। हाँ, एक बार हाजी अली पे मुझे याद है अप्रैल फूल का दिन था, तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया था कि मैंने कहा आई डोंट गेट मैरिड, फर्स्ट अप्रैल को बोला था, एंड उसको कंफ्यूज हो गई वो कि वो 1 अप्रैल है, ये झूठ तो नहीं बोल रहा कि, तो मैंने भी एक्चुअली ये सोच के किया था कि मना कर देगी तो मैं बोल दूंगा कि यार अरे अप्रैल फूल बना रहा था यार, वेरी स्मार्ट, ये इंटरव्यू दिखाना मत अदिति, दैट वाज द प्लान, नो शी नोज अबाउट इट, सो दैट वाज द प्लान, तो या दैट्स हाउ वी मेट। and she said yes. Ah, she said yes. Yeah. So yeah, that's how we met. That's how we spent those 6 months together. And उसके बाद से मतलब she's पीछे पड़ गई है। पीछे पड़ गई, पीछा नहीं छोड़ी। आपको बता दें, हाल ही में मोहित और आदिति ने एक प्यारे से बेटे का स्वागत किया है। वेल, आपको मोहित की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। And also do like, follow and subscribe to TellyMasala on Facebook, Instagram and YouTube.